फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आज है कार्तिक पूर्णिमा और मैं बना रही हूँ आज गुड़ का खीर, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ना कुछ मीठा मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाहे हलवा हो चाहे खीर हो कोई भी चीज़। तो यहाँ पे मैं चढ़ाती हूँ गुड़ का खीर, खाने का मन था, जैसे कि कार्तिक छठ के समय ना खरना के दिन गुड़ का खीर खाई थी प्रसाद में, तो बहुत अच्छा लगा था, तो सोची कि चलो आज बना लेती हूँ। तो उसी दिन से मन कर रहा था पर बना नहीं पाई, तो सोची कि चलो आज बना लेती हूँ। और इधर मैं भूंज रही हूँ मसाले, भूंज रही हूँ मतलब कि गरम कर ले रही हूँ थोड़े देर के लिए, और पीस करके पाउडर तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि मसाला का पाउडर जो भी था सो सब ख़त्म हो गया है, तो बस उसी को। और इधर मैं खीर भी पकने के लिए छोड़ दी, तो आधा पक जाएगा, उसके बाद में मैं गुड़ मिला दूँगी। तो चावल आधा पक गया था तो मैं डाल दी थी गुड़, और ये आधा पक के तैयार हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए और छोड़ देती हूँ अच्छे से पक जाए। और जो आलू चढ़ाई थी बॉयल होने के लिए वो दिखा रही हूँ कि उसको छीली, और ये मसाला मैं पीस करके जो रखी वो है। और यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट बना करके रख ले रही हूँ, जो कि फ्रिज में रखती हूँ टिफिन में बंद करके, तो वो वाला है। और इधर ये गुड़ का खीर भी अब तैयार है, तो इसको उतार दे रही हूँ और कर लूँगी सब्जी। तो इसको मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तब जो दूध बॉयल करके मैं रखी हूँ जला करके, जैसे कि 1 केजी दूध को जला करके हाफ केजी के करीब बना करके रखी, तो उसको डालूंगी उस खीर में। तो इधर मैं काट ले रही हूँ अभी सब्जी, क्योंकि खीर अभी गर्म है, तो सब्जी में बना रही हूँ मैं गोभी और ली थी शिमला मिर्च और पटल, तो इसी का मैं भुजिया बनाऊँगी। फ़ौरन में डाली थी जीरा और सिर्फ मिर्च, और साथ में मैं डाल दूंगी, जब आधा पक जाएगा ना तो डाल दूंगी इसमें सूखे मसाले में सिर्फ काली मिर्च, थोड़ी सी डालूंगी मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, बस यही, और नमक, बस यही डालकर इस सब्जी को बना लूंगी। तो उधर चढ़ा दी मैं सब्जी पकने के लिए, और इधर मैं लहसुन के पत्ता तोड़ करके लाई थी, तो उसका मैं बनाऊंगी ना ये आलू भर के पराठे, लहसुन के पत्ते वाला पराठा। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसमें मैं धनिया पत्ता नहीं डालूंगी, या लहसुन का पत्ता ही डालूंगी। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भुंजिया आधा पक के तैयार हो गया है, तो इसमें जो मसाले बोली थी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, तो बस इसी को डाल करके, नमक डाल करके और ढक के छोड़ दूंगी पकने के लिए। और इधर अब मैं चढ़ा दूंगी फ्राई पैन, और ये लहसुन जो पीस कर रखी थी ना उसमें से थोड़ा सा मैं डाल दी, तो बस इसको मैं ढक करके उधर चढ़ा दी, और इधर फ्राई पैन में डाल दी मैं अजवाइन और मंगरेला, और ये जो लहसुन को पत्ता को जो काट के रखी थी उसको, और अदरक और हरी मिर्च काट के रखी थी कूट करके अदरक को, तो उसको डाल दी। और कुछ देर भुनने के बाद में बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही थी, तो मैं डाल दे रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, बस यही मसाला इसमें मैं डाल दी। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें डाल दूंगी आलू, और जब आलू अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डाली मैं लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट, तो बस ये भून के तैयार हो गया है। तो अब मैं डाल देती हूँ आलू, और कुछ देर भुनने के बाद में जब ये अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा तो डाल दूंगी थोड़ी सी मैं नींबू का रस, तो बस ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसको भर के मैं बना लूँगी पराठे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि खीर आधा ठंडा हो गया है, तो मैं डाल दे रही हूँ दूध। और इसलिए ये खीर को ठंडा की ना, क्योंकि अगर गर्म खीर रहता है ना और दूध डालती तो तुरंत फट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे खीर को मैं ठंडा करके तब दूध डाली। तो दूध को मैं ज़्यादा, जैसे कि बोली आप लोगों को कि कुछ देर के लिए बॉयल करके दूध को जला करके रखी थी, तो उससे भी ये सोना सोना खीर बहुत ही अच्छा लगता है। और गुड़ का खीर का टेस्ट ना गुड़ के ऊपर है, जैसा गुड़ रहेगा वैसा ही खीर भी होगा, ढेला वाला रहता है या गांव वाला जो गुड़ रहता है ना उसका खीर बहुत ही टेस्टी लगता है, पर ये मार्केट का है उतना अच्छा तो नहीं, पर हाँ ठीक लगता है। तो गुड़ का खीर तैयार कर ली, और यहाँ पर मैं आलू के पराठे को शुरू कर दी बनाना। Thank you.
यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रहा गरम गरम आलू का पराठा, भुंजिया और गुड़ वाली खीर। तो यही रहा रात का हम लोगों का खाना, और खाना खा करके टीवी देख करके आ गई हूँ मैं यहाँ पे रूम में, और लगा ले रही हूँ मच्छरदानी। तो मच्छरदानी को अभी ठंड के सीज़न में ना इसी तरह से मोड़ के मैं रख दी, जैसे कि पूरा खोल करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कील को अंदर दीवार के अंदर करने में बहुत परेशानी होती है। तो इसको मैं कील को किस तरह से चिपका करके और आधा मच्छरदानी मोड़ करके ही रखती हूँ, पूरा खोल करके नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे मैं मच्छरदानी को लगा करके और चारों तरफ से मोड़ करके रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड बैठ के मोबाइल देख रहे हैं और अपना जो भी काम था ऑफिस का वो सब कर चुके हैं। तो वो कब आकर के सो जाएंगे बिना मच्छरदानी लगाए हुए, में ही फिर मच्छरदानी लगाने नहीं देंगे। तो बस इसलिए मैं मच्छरदानी को लगा दे रही हूँ। और ठंड के दिन में ना बहुत ज़्यादा कंबल, रजाई, उसके बाद में स्वेटर, शॉल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो उसको कुछ मैं सोफ़ा पे डाल दी और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। जो भी किचन का काम है वो मैं अब निपटा लूँगी, जैसे कि किचन को साफ़ करना, बर्तन तो को सबसे साफ़ पहले करना। मैं जो खाना बचा हुआ है उसको खाली करके, जैसे कि दूसरे कटोरे में डाल करके, छोटा छोटा कटोरा में डाल करके मैं रख दूँगी फ्रिज में, और उसके बाद मैं सबको साफ़ कर लूँगी। तो जहाँ का जो सामान था वो सब मैं रखती, और यहाँ पे मैं हस्बैंड को दे रही हूँ गर्म पानी और नमक कुला करने के लिए, और दे दूँगी पानी पीने के लिए। तो वो पानी पी करके चले जाएंगे और मैं अपना किचन का काम कर लूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की शाम के 6 बजे से 9 बजे तक का रूटीन। तो बहुत ऐसा छोटा मोटा काम था जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखाई, पर अगले बार मैं विस्तार से दिखाऊंगी 6 से 9 का रूटीन, या फिर और जो भी रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी वो विस्तार से ही दिखाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।